सेलिब्रेशन टीवी इवेंट्स ऑफ अ लाइफ। चलो वृंदावन, चलो वृंदावन, चलो वृंदावन, चलो वृंदावन, चलो वृंदावन, चलो वृंदावन, चलो वृंदावन। जैस वालों का बढ़ाना है सम्मान, सबका साथ जैस वालों का विकास। खेलेंगे फूलों की होली, मील का पत्थर गाड़ेंगे, राधे राधे गाएंगे। कान्हा की नगरी में जैस वालों का कुंभ लगने का, बांके बिहारी के चरणों की लेके रज। जैसवाल समाज के करेंगे उत्थान की बातें, हम हैं जैसवाल। सुंदर है समाज, समरूपता चाहिए, अनजान है सब आज, एक जुटता चाहिए। जैसवाल वैश्य बंधु सभा का कुटुंब बढ़ना चाहिए। Yeah।
हेलो जब से सांवरे ने जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बदले बदले जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ वेबसाइट का की लॉन्चिंग की जाएगी। ये पहली वेबसाइट है जैसवाल समाज की। सभी सहयोगियों से अनुरोध की कृपया स्टेज पर आ जाए। योगेश जयसवाल जी जहां कहीं भी हो कृपया स्टेज पर आ जाए। योगेश जयसवाल जी से मेरा अनुरोध है कि जहां कहीं पर भी हो कृपया स्टेज पर आ जाए। मनोज जयसवाल जी भी जहां कहीं भी हो मेरी आवाज पहुंच रही हो तो कृपया स्टेज पर आ जाए। मनोज जयसवाल जी और योगेश जयसवाल जी उनकी पूरी संयोजक टीम उनका वेट कर रही है, कृपया स्टेज पर आ जाए। टीम अमित जी को आवाज दे रही है, कृपया साफ आ जाए। अमित जी बहुत अच्छे फोटो लेते हैं, सेल्फी एक्सपर्ट। इसके बाद जैसा समाज की वेबसाइट की लॉन्चिंग होगी। सभी अतिथियों से स्वागत, अभिनंदन, अवसर है श्री महाराज जसदेव जी के चित्र का लोकार्पण। ये तस्वीर अब आपके हर कार्यक्रम में कहने पड़ेगा।
ये मौका है जैसवाल वैश्य बंधु महासभा के राष्ट्रीय लेवल के सम्मेलन का। वृंदावन की पावन धरा पर हजारों जैसवाल वैश्य बंधु परिवारों के लोग यहाँ पर जमे हुए हैं और इस सम्मेलन का पहली बार आगाज हुआ है, वो भी धार्मिक नगरी भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन से। वृंदावन में हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं इस महासभा इस महासंगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम उनसे बात करेंगे किस तरीके से पूरा ये सम्मेलन आयोजित हो रहा है, कितनी सारी संख्या आपके समाज के लोगों की है, कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आज ये सम्मेलन जैसवाल समाज का वृंदावन क्षेत्र में पहली बार हो रहा है। ऐसा सम्मेलन हमने अपने होश में कभी नहीं देखा। आज ये सम्मेलन जो हो रहा है यह वृंदावन बिहारी के चरणों में हो रहा है और समाज के 1200 लोग 1500 लोग इसमें आकर एकत्रित हुए हैं और ये बड़े ही गौरव का विषय है। भारतवर्ष के संपूर्ण क्षेत्रों से लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं और सबके यहाँ पर खाने की नाश्ते की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। ये संख्या अनुमानित जो संख्या है वो कितनी संख्या होगी यहाँ पर जो लोग हैं? करीब 1500 लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं। ये कहाँ कहाँ भारत के किन किन क्षेत्रों से हैं, किन किन राज्यों से? ये आगरा, हाथरस, अलीगढ़, सादाबाद, मथुरा, दिल्ली, जयपुर, अजमेर, लुधियाना, पंजाब और भी बहुत सारी जगहों से, सब जगहों से ये यहाँ पर लोग पधारे हुए हैं। क्या आपको अनुमान था कि इतनी बड़ी संख्या में जो आपके सम्मेलन के सदस्य हैं, आपके समाज के सदस्य हैं, वो जुट सकेंगे यहाँ पर? हमको इतना उम्मीद नहीं थी। जितने लोग यहाँ पर आए हैं पधारे हैं, हमें 1800 लोगों की उम्मीद थी, लेकिन जस्ट डबल करीब 1500 लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं। इसमें हमको बड़ी खुशी हो रही है, आनंद का विषय है कि जैसवाल समाज एक मंच पर आज विराजमान हैं। सब अतिथिगण यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबका सम्मान हम लोग यहाँ पर अपने अपने स्तर से कर रहे हैं। सम्मान के लिए जिन लोगों का आप सम्मान कर रहे हैं, क्या वो किन किन क्षेत्रों से ताल्लुक रखते हैं, किस किस चीज़ के लिए उनको मंच से सम्मानित किया जा रहा है, वो कौन लोग हैं? देखिए, यहाँ पर जिन विशिष्ट लोगों का हम सम्मान कर रहे हैं उसमें हमारे श्री राम जायसवाल जो साहित्य के क्षेत्र में हमारे समाज में उनका नाम है, रोशन है, उनको राष्ट्रपति द्वारा साहित्य के लिए सम्मान पदक दिया गया है। तकरीबन कितने लोगों का सम्मान, आप केवल लोग संख्या बता दें? हम 5 लोगों का सम्मान कर रहे हैं। और इसके बाद में और जो कार्यक्रम आपकी श्रृंखला में सूचीबद्ध हैं वो क्या क्या कार्यक्रम आज होने वाले? आज हम इन विशिष्ट लोगों के सम्मान के बाद दूसरा कार्यक्रम हमारा, हमारे जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं उनका हमको सम्मान करना है। उसके बाद हमको यहाँ पर बच्चों के कार्यक्रम करने हैं, बच्चों के कार्यक्रम मंच के द्वारा किए जाने हैं। इसके अलावा मथुरा से एक मंडली बुलाई गई है जिसका भी प्रदर्शन यहाँ पर होना है। हमने समाज के कुछ लोगों को अपने समाज के उत्थान के लिए कुछ ना कुछ बोलने के लिए कहा है, जिसके लिए वो हमें समाज को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए हमें अपने 2 शब्द कहेंगे, उनको भी हमने बुलाया गया है, उनका भी नाम है। वर्तमान में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आपके इस संगठन के अखिल भारतीय जैसवाल वैश्य बंधु महासभा का विस्तार कितना हो चुका है, कितने जनपदों में आपकी कार्यकारिणी है, कितने राज्यों में है? देखिए, हमारी ये अखिल भारतीय राष्ट्र कार्यकारिणी अभी 8 महीने पहले बनी है और इसमें ये आज से 8 साल पहले बनी थी। उस समय के बाद ऐसा सौभाग्य दोबारा प्राप्त हुआ है। उसके बाद हमारी करीब 5 क्षेत्रों में क्षेत्रीय सभाएं बनाई गई हैं, उन सब क्षेत्रों का नेतृत्व यहाँ पर हो रहा है, वहाँ के सभी अध्यक्ष यहाँ पर पधारे हुए हैं, यहाँ पर सभी लोग बसों द्वारा कारों द्वारा यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस भीड़ को देखकर ऐसा लगता है कि ये एक जैसवाल समाज का कुंभ
लग रहा है। उनसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भारतीय जयसवाल वैश्य बंधु महासभा का विशाल समागम वृंदावन की इस पावन धरा पर यहाँ के कृष्णा आश्रम में आयोजित हो रहा है और यहाँ पर के पूरे प्रदेश देश के कोने कोने से समाज के लोग, समाज के परिवार सहित यहाँ पर उपस्थित हैं। मात्र 8 महीने के प्रयासों का ये परिणाम है, इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर ये लोग उपस्थित हैं और आगे भी इनका ये सफ़र जारी रहेगा। और भी सफलता के नए नए आयाम ये लोग अपने स्थापित करेंगे। कई सारे कार्यक्रम इनके इनके अपने विचार में हैं, इनके जहन में हैं, जो कि आने वाले समय में ये करेंगे और आज भी ये कार्यक्रम पूरे वस्तुत तरीके से इनका जारी है। देखिए, जयसवाल समाज को जोड़ने का हमारा काम बहुत तेज़ी से पूरा हुआ है और हो रहा है। यहाँ पर हम एक ट्रस्ट बनाना चाहते हैं। हमने एक ट्रस्ट का नाम जयसवाल वैश्य सेवा ट्रस्ट रखा है। उसके लिए एक जमीन को खरीद कर उस पर एक आश्रम बनाना चाहते हैं जो जयसवालों के नाम से होगा। जयसवाल भाई लोग उसमें सहायक होंगे। हमने उसमें एक फाउंडेशन ट्रस्टी रखे हैं। जो फाउंडेशन ट्रस्टी हैं वो हमारे मेन ट्रस्टी होंगे, जिनका कि हर क्षेत्र में किसी न किसी रूप में उनका सम्मान होगा। सम्मान के साथ वो हर जगह जुड़े होंगे, बिना उनकी मर्जी के कोई भी कार्य नहीं होगा। हमारे सबसे पहले बनाने में संस्थापक ट्रस्टी हैं। दूसरे नंबर पर हमारे ट्रस्टी आते हैं व्यवस्थापक ट्रस्टी। व्यवस्थापक ट्रस्टी के बाद आते हैं सहयोगी ट्रस्टी। इनकी हमने कुछ रकम रखी है जो सब ट्रस्टी एक साथ मिलकर उस भवन का निर्माण करेंगे जिसका जयसवाल वैश्य सेवा संगठन के नाम से चलेगा। ये हमारी हमारा उद्देश्य है। भूमि इसके लिए आपने डिसाइड की है, कहाँ पर खोलेंगे? ये भूमि हमने डिसाइड की है रुक्मिणी विहार वृंदावन। वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जगह है। 500 मीटर जगह खरीदने के लिए हमारी ये व्यवस्था चल रही है और जल्दी ही चंद दिनों में हम उस जगह का रजिस्ट्री कराकर उस पर कार्य शुरू करने के उसमें परिचय के साथ में आज के मैं इंजीनियर अजय कुमार गुप्ता और हम लोगों ने सारे जयसवाल समाज को यहाँ इकट्ठा किया है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम अपने समाज की ताकत को, एकता को यहाँ प्रदर्शित करें और समाज में एकजुटता लाएं। हमारा मेन पर्पज़ ये है और हमको आगे क्या करना है समाज को आगे बढ़ाने के लिए, हमको लोगों से अपनी राय व्यक्त करने के लिए राय लेंगे कि हम अपने समाज को कैसे आगे ले जाएं, इसलिए हम लोग सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए। अपने परिचय के साथ में जी सम्मान हुआ, क्या कहेंगे इस पूरे सम्मेलन के बारे में, आपकी क्या प्रतिक्रिया? सम्मानित हमारे बीच में उपस्थित जो इंटरव्यू आप लेने हुए हैं, मैं बीरेंद्र कुमार जयसवाल, अखिल भारतीय जयसवाल महासभा का पूर्व महामंत्री राजघाट, पुत्र स्वर्गीय श्री सुनहरीलाल आज़ाद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सैपू से, जनपद हाथरस से यहाँ उपस्थित हूँ। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सन 2003 में मैं अखिल भारतीय जयसवाल महासभा का महामंत्री रहा। अखिल भारतीय जयसवाल महासभा की जो देन है वो हमारी गंगा माता राजघाट से है। हमारा जो सेंटर है वो हमारा सेंटर राजघाट से है। आज हमारे इस मंच पे ये राजघाट शब्द नहीं दिया गया है, मुझे इस बात का खेद है। सारी चीज़ें हैं लेकिन हमारा जो उद्गम है वो राजघाट से, पूरी सभा का तो निवेदन करना चाहूँगा। अपने कार्यकाल में मैंने जो कार्य किया है राजघाट में, जितनी भी हमारी सभा के लोग बैठे हैं वो सब वहाँ जाके देख सकते हैं कि हमने अपने कार्यकाल में क्या किया। इस समय केवल इतना निवेदन करना चाहेंगे कि यहाँ जो इस समय कार्यक्रम हो रहा है ये बड़ी खुशी की बात है और इस अवसर पर हम ये चाहेंगे कि जहाँ जितने समाज, अग्रवाल समाज, वैश्य समाज और तमाम समाज आगे बढ़ रहे हैं, हमारा जो अखिल भारतीय जयसवाल वैश्य समाज है वो भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, बाकी बिहारी जी से, कि हमारा समाज भी आगे दिन दूनी रात चौगरी उन्नति करे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे समाज में आज लोग आर्थिक स्थिति में मजबूत हुए हैं लेकिन प्रेम का अभाव हुआ है, तो हम चाहेंगे कि हमारे बीच में प्रेम की गंगा बहे, हम आपस में भाईचारे से रहें, हमारा समाज आगे बढ़े। इन शब्दों के साथ आज के सम्मेलन के लिए और जो इसके ऑर्गेनाइजर हैं श्री राम प्रकाश जी, जयसवाल जी, उनके लिए, पूरे समाज के लिए मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, आपके लिए साथ में बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भाग्य विहार। जिंदपाल गुप्ता, अखिल भारतीय जयसवाल वैश्य बंधु महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष,
और मुझे यहाँ से इस कार्यक्रम में आकर के मुझे अपने आप को ऐसा याद लगा है कि जो संकल्प हमने लिया था महासभा को आगे बढ़ाने के लिए वो पूरा होता हुआ और आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये कार्यक्रम सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है और एक हफ्ते से नहीं, एक 15 दिन से, एक महीने से ऐसा लग रहा है कि हम इस कार्यक्रम को बहुत ही सफल बनाएंगे। लोगों के ऐसे मैसेज आ रहे थे और उस उत्साह को देखते ही जो हमारे आयोजक रहे हैं उनका बहुत उत्साह बढ़ा। आपको सम्मानित किया गया क्या, किस सम्मान से? ये सम्मान है आपके लिए, आपके प्रयासों के लिए है, क्या कहना चाहते? ये प्रयासों के लिए ही है और व्यक्ति के लिए कोई सम्मान नहीं होता है। व्यक्ति के जो कार्य होते हैं या व्यक्ति का जो आचरण होता है, व्यक्ति के लिए जो चीज़ें देखते हैं लोग उसमें उनका सम्मान है और मैं उसे तहे दिल से स्वीकार करता हूं। अंत में मैं आपके सेलिब्रेशन टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, बहुत बहुत ये बधाई दूंगा कि उन्होंने, आप लोगों ने आकर के इस कार्यक्रम की कार्यक्रम को कवर किया और मुझे दो शब्द बोलने का मौका दिया। थैंक यू। Events of a life.